तो दोस्तों आज 29 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र के लिए नए कार्यक्रम जारी कर दिया। आपको बता दें कोविड 19 की दूसरी लहर से बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए। इसके चलते आओ घर से सीखें 2 कार्यक्रम के तहत शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार रेडियो और टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के केस कम होने के बाद जहां राज्य सरकार ने एक और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी, वहीं अब विभिन्न परीक्षाओं का इंतजार खत्म होने की भी अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के कारण इस साल इम्तिहानों ने अभ्यर्थियों के कई बार इम्तिहान लिए हैं। एक और जहां सरकारी भर्ती परीक्षा आगे केस की, वहीं कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होना अभी शेष है। देश में बेरोजगारी पर आंदोलन छेड़ने वाले संगठन युवा लब्बुल ने राजस्थान की गहलोत सरकार को एसआई भर्ती 2016 में नियुक्ति देने की मांग की है। संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजस्थान सरकार और पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए थक गए, अब अंतिम हथियार धरना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के एक महिला को इसका लाभ देने के पिछले साल के आदेश को बरकरार रखा। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल में परियोजना अभियंता कनिष्ठ के 162 पदों को सृजित किया गया है। इन पदों के परियोजना अभियंता सिविल के 151 व परियोजना अभियंता विद्युत के 11 पद सृजित किए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि जल्दी इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें प्रतिशत में अंक पाने के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल छात्रों की परेशानी को देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पीजी छात्रों की मार्कशीट में प्रतिशत में अंक देने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षक उन्नयन के लिए यूजीसी की ओर से रेगुलेशन तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन लागू नहीं होने पर खामियाजा जा शिक्षकों विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें 3 सालों से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की पालना नहीं कराई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग आगामी 10 दिन में RAS भर्ती परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। आयोग की कमेटी फिलहाल इसका परीक्षण कर रही, जो अंतिम चरण में माना जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। RAS 2021 की विज्ञप्ति कार्मिक विभाग की ओर से RPSC को कुछ दिन पहले भेजी गई थी, लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं पर शंकाओं का समाधान करने के लिए आयोग ने इसे वापस लौटा दिया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए स्कूलों की ओर से नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक भेजने की अंतिम तिथि 1 जुलाई गुरुवार तक बढ़ा दी। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार 28 जून को सत्रांक भेजने की अंतिम तिथि थी। तो दोस्तों ये थी आज 29 जून 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC, PTT, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, देश नहीं प्रदेश भर के बेरोजगार परीक्षार्थियों को समर्पित इस चैनल पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।